मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपने मंसूर खान चैनल में सिखाऊंगी कि आप कैसे वेजिटेबल रोल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने 8 गिलास पानी लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब हम उसमें 2 कप पीस डालेंगे, यानी कि मटर। ठीक है, ये हमारे टी टाइम के लिए, या ना आप तो जैसे कोई पार्टी रख रहे हो उसके लिए भी बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है, अब जब ये उबल जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है फिर बताते हैं हम आपको। अच्छा, सिर्फ हमने 10 से 15 मिनट तक इसको बॉईल करना है, ज़्यादा हमने बिल्कुल भी नहीं गलाना। ठीक, अच्छा देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 किलो तक आलू। आलू छिले हुए हमने डालने हैं। ठीक है, अच्छा ये है चिकन। ठीक है, अब हमने इस चिकन की यखनी बनानी है, तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून डालना है जिंजर, यानी कि अदरक पाउडर। अदरक पाउडर नहीं, यानी कि मेरा है पेस्ट। ठीक है, मेरे पास अभी पेस्ट नहीं था और मुझे जल्दी करना है क्योंकि हम मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए हमने ऐसे करके चूरा करके डाल दी। ठीक है, तो ये है 1 टेबलस्पून गार्लिक। अच्छा, ये 1 पाव गोश्त में अब हम डाल देंगे 1 कप प्याज। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया का पाउडर। अच्छा, अब हमने इसमें 2 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड किया है और अब हम दूसरे चूल्हे पे इसको यखनी बनाने रख देंगे। अच्छा, तो ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें थोड़ा सा हमें ब्रेड क्रम्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, और हमें 1 अदद अंडा भी चाहिए, फेंटा हुआ है ये। ठीक है, और ये है कैबेज। ठीक है, और ये है हरा धनिया, ये है ये सोया है। ठीक है, और ये है ग्रीन कैप्सिकम, और ये है रेड कैप्सिकम, और ये है पर्पल कैबेज। हमें इजीली पर्पल कैबेज मिल गई। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये एज इट इज़ है। अच्छा, तो ये हमारे आलू और मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। ठीक है, और हमने जब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया था तो हमने इसका पानी स्टेन कर लिया था, और ये गलने के साथ साथ ठंडे भी खूब अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब हम इसको स्मैशर से स्मैश कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमारा ये जो यखनी थी, ठीक है, वो ये देखें, ये चिकन हमने रेशा रेशा बिल्कुल कर लिया है। ठीक है, साथ ही साथ ये 4 टेबलस्पून हमने सीख कबाब मसाला डाला है, और ये 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है, पाउडर है ये, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और 1 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्च, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया, ठीक है, पाउडर ये भी, और 1 टेबलस्पून ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, और ये पाउडर नहीं है धनिया, ये क्रश्ड हुआ हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ठीक है, स्पाइसेस ये हम ऐसे डालते जाएंगे, अपने सारे स्पाइसेस। अच्छा, साथ ही साथ हम इसमें सोया डालेंगे। सोया का जो फ्लेवर होता है
वो ज़रा स्ट्रांग होता है, तभी आप अपने अंदाज़े के मुताबिक डालें। ठीक है, हमने भी अपने अंदाज़े के ही मुताबिक डाला है। ठीक है, ठीक है, अब ये अच्छी तरह से हमने मिक्सर से मिक्स कर स्मैशर से स्मैश कर लिया है, और अब हम हाथ की मदद से भी इसको हम मिक्स करेंगे, और इसमें अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। जैसे कि हमने अब इसमें डाल लिया है हरा धनिया, और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपनी पर्पल कैबेज डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी दूसरी कैबेज डाल देंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है कलर इसका, और साथ ही हम इसमें अपनी कैप्सिकम डाल देंगे। पहले हम डालेंगे रेड कैप्सिकम और फिर हम डालेंगे अपनी ग्रीन कैप्सिकम। ये देखें कितना खूबसूरत रंग आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इस स्टेज पे इसको चख लेंगे। सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा नमक कम है, तो हम 1 टीस्पून इसमें 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे नमक, और फिर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमारा तैयार हो गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हम थोड़ी स्पाइसेस कम खाते हैं, तो हमने इसमें तभी थोड़ा सा मसाला कम रखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्चों से भरमार अच्छा लगता है, तो फिर आप जो हमने बाज़ार का मसाला डाला है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो जब ये हमारा रेडी हो जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस जो ये है इसको आप कौन सी शेप दें, आपकी मर्ज़ी, कोफ्ते वाली शेप दें, या तो फिर बॉल वाली शेप दें, या तो फिर कबाब वाली शेप दें, मर्ज़ी आपकी। वरना तो आप सीख कबाब टाइप की रोल मतलब शेप दें, ठीक है, या फिर रोल की तरह शेप दें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब ये आइसक्रीम स्टिक है, ये बहुत इजीली आपको दुकान पे अवेलेबल होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे शेप देने, ये बिल्कुल जैसे आइसक्रीम होती है ये वो लग रही है। अच्छा, ये स्टिक आप बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टिक हटा के आप अंडे में डिप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपको इजीली करने में करना होगा। ठीक है, अब जब हम अंडे में डिप कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छी तरीके से इसको हम ब्रेड क्रम्स में मार लेंगे। अच्छा जी, सुबह चाह चुकी है पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा मैं आपको अब आगे बता देती हूँ। तो इस तरह से आप पैन में या तवे पे चलो फ्राई कर लेंगे। बस सिंपल से कबाब हैं, देखो कितने प्यारे गोल्डन गोल्डन से लग रहे हैं, बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, चिकन भी है, तो घर के बने हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो बच्चों के लिए लंच बॉक्स पे आप इसको डाल सकते हैं, लंच बॉक्स में भी स्कूल जब हैं आप तारी में भी ले सकते हैं इसको। आप इसको सहरी में, अफ्तारी में, दावत पे, और इसके अलावा आप किसी भी तरह से इसको खा सकते हैं, टी टाइम पे मेहमानों के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार गोल्डन से कबाब बन गए। हाँ, जैसे जैसे आप इसको तलते जाएं, तो आप लोग इसको इस तरह से साइड पे करते जाएं, और मज़ीद जो आपने बनाए हुए हैं, रेडी किए हुए हैं, वो आप डालते जाएं, तो इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि ये ठंडे नहीं पड़ेंगे एक तो, दूसरा गोल्डन मज़ीद भी होते चले जाएंगे। अच्छा जी, ये जिस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये आप इसमें इस तरह से लगा देंगे तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं, चाहे तो बग़ैर स्टिक के भी सर्व कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है। और इस रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सवाब हासिल करें, क्योंकि रमज़ान है। बहुत सारे घरों में बहुत सारी ख़वातीन अक्सर परेशान होती हैं कि यार रोज़ कहाँ से कहीं नई रेसिपी लेकर आएँ ताकि घर वाले खुश हों और ख़ुशी के साथ इफ्तार करें। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको शेयर करें और सवाब कमाएं। तो अपनी दुआओं में मंसूर ख़ान चैनल को याद रखें और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, मैंने इसके ऊपर दो ऑलिव्स रख दिए, जैतून काले वाले, और उसमें एक एक ड्रॉप मेयोनीज़ डाल दिए। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये लिप्स हैं और ये आँखें। तो एक फेस बन गया।